तो लास्ट क्लास में हमने जो है इतने सब काम खत्म कर चुके थे, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग की टारगेट जो है हम मिलिंग स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो मिलिंग स्टार्ट करने से सबसे पहले हम जाएंगे मिल में, फिर इसको डिफॉल्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बन के आ जाती है जो आपको स्टॉक वगैरह जो भी लेना है। तो फिलहाल के लिए मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे 2D मिलिंग स्टार्ट करूँगा आज। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया, तो मैं यहाँ सेंटर रेक्टेंगल लूँगा, तो सेंटर से ले करूँगा। तो अभी जो मेरा हाइट है ये मैं ले रहा हूँ 200 बाई, ठीक है, 120 का। तो ये मेरा साइज आ गया ऑलमोस्ट, इतना मैं ले रहा हूँ, छोटे से ले रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक ये वाला रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेंटर लूँगा, सेंटर यहाँ से लिख करूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे आप हाइट दे सकते हो 90 बाई 60 का, और बीच में अगर राउंड चाहिए तो राउंड भी दे सकते हो आप, फिर डन कर दो, ठीक है। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पे सर्कल बनाना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 ड्रिलिंग सर्कल मैनुअली ले रहा हूँ, मुझे आपको दिखाना है करके। तो मुझे यहाँ पे मैनुअली 2 सर्कल ले लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको आइसोमेट्रिक कर लेता हूँ। अब इसमें हम सार कमान करेंगे, फेसिंग, कंटूरिंग, पॉकेटिंग, ड्रिलिंग, ये सार हम कमान करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे स्टॉक सेटअप में जाना है। फाइल में आपको क्या मिलेंगे, जो फाइल है जहाँ पे सेव करोगे, किस फॉर्मेट में सेव होगा, टूल सेटिंग क्या रहेंगे, स्टॉक सेटअप क्या रहेगा, उसमें आएंगे, ठीक है। तो टूल सेटिंग में टूल सेटिंग आएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमको जाना है स्टॉक सेटअप में। तो यहाँ पे ऑल एंटिटी ऑल सॉलिड कर लो। अब कितना साइज है ऑटोमेटिक ये ले लेंगे। यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप में चाहिए, सॉलिड में चाहिए, जो भी चाहिए, रेक्टेंगल में चाहिए ले सकते हो। किस प्लेन में काम कर रहे हो, अभी मुझे टॉप में काम करना है तो अभी टॉप में लोगे आप, इसको सेंस करके सेंस भी कर सकते हो। तो यहाँ जो है हम जेड की वैल्यू डाल लेंगे, 20 mm की हाइट ले लेंगे जेड की, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रेड कलर के स्टॉक में आ गए वो, ठीक है। उसके बाद जाना है आपको टूल पार्ट में। सबसे पहले कॉन्टूर आते हैं, ड्रिलिंग आता है, पॉकेट आता है, फेसिंग आता है। तो मैं यहाँ पे फेसिंग करूँगा, फेसिंग सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कौन सी ऑपरेशन कर रहे हो आप, फेसिंग, ठीक है ना, फेस मिलिंग कर रहे। तो आप, हमने फेस लिख दिया यहाँ पे। तो उसके बाद जो है आपको सेन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेन सिलेक्ट ले रहा है, तो हम इसके सेन सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो इसमें हमको जो है मैंने सेन ले लिया है। अब उसमें पूछता है आप फेसिंग कर रहे हो, फिर आप टूल कौन सी ले रहे हो। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे होते हैं क्रिएट लाइब्रेरी टूल, ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पे बताऊंगा मैं बाद में थोड़ा। तो यहाँ पे क्रिएट लाइब्रेरी टूल में जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपका टूल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, जो भी टूल चलना है। तो इसमें थोड़ा दिक्कत सी होती है देखने में, समझने में। तो हम जो है क्रिएट न्यू टूल करेंगे, ठीक है। तो अपना न्यू टूल करेंगे, तो हम यहाँ पे फेस मिलिंग का ले रहा हूँ, ठीक है। तो कितने का फेस मिलिंग लेना है, डायमीटर क्या होगा, सेकेंडरी डायमीटर क्या होता है, सेकेंडरी डायमीटर ये हो जाती है, प्राइमरी डायमीटर आपका जो काट है उसमें हो जाती है, ओवरऑल लेंथ जो होती है टोटल लेंथ हो जाती है, कटिंग लेंथ हो गई आपकी, कटिंग लेंथ हो जाती है, चैम्फर वाला सही है या कॉर्नर रेडियस सही है, रेडियस में होके आ जाएंगे, ठीक है। जैसा भी सही है, नॉन कटिंग ज्योमेट्री में ये आपके नॉन कटिंग ज्योमेट्री में पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको फिर अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आओगे तो इसमें हम आएंगे तो सेकेंडरी में हम डिजाइन टूल लाइब्रेरी में आपको डिजाइन टूल लाइब्रेरी में फाइनलाइज में आप कौन सी मेटेरियल यूज करते हो, कितना साइज है, डायमीटर क्या है, कर्वेट में लोगे या इसमें लोगे, सब आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं फिनिश कर दे रहा हूँ। होल्डर में आपको जाना है, होल्डर आपको जो भी होल्डर सही है, ठीक है, जो आप सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट होल्डर रख रहा हूँ। कटिंग पैरामीटर में जा रहा हूँ, यहाँ पे पाथ पैरामीटर में आपको वन वे सही है या जिगजैग में कटिंग करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ फिलहाल जिगजैग में आपकी जो कटिंग जो स्टाइल है ना, जिगजैग में काटेंगे, लाइक इस तरीके से टूल जाएंगे यहाँ पे ऊपर उठते थोड़े फिर ऐसे काटेंगे, ठीक है। वन पास करेंगे तो सिंगल पास में काटेंगे, वो डायनेमिक करोगे तो आप डायनेमिक के लिए बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जिगजैग होते हैं और वन में होते हैं, जिगजैग लेना ड्रॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होते हैं ओवरलैप में, हम कितना ओवरलैप ले रहे हैं, ठीक है, एग्जिट डिस्टेंस कितना ले रहे हैं, स्टेप ओवर कितना ले रहे हैं, 30% स्टेप ओवर है, क्लैम ले रहे हो, कंपेंशन ले कर रहे हो, ठीक है, शार्प लगाना है, कटिंग जो कंपेंशन कहाँ लोगे, मैं टिप में लूंगा, और स्टॉक जो है कितना mm लीप करेंगे। तो आप इतने में लीप भी कर सकते हो, मैं 0.2 लीप कर रहा हूँ। डेप्थ ऑफ कट कितना रहना है, ठीक है, यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको जो है 0 रख रहा हूँ। लिंकिन पैरामीटर में कितना mm आपको काटना है, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट फोकल mm करेंगे, अभी इंक्रीमेंटल में बताऊंगा भाग में। तो मैं अभी जो है -2 mm जो है काट करूंगा, नीचे जाएंगे तो -2 में डालेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे होम पोजिशनिंग आप देख पा रहे हो, तो इसे आप अभी जो है प्लान आप टॉप टॉप पे होना चाहिए, 2 mm काटिए, हाँ 2 mm जो है हम इसकी डेप्थ काटेंगे। तो
तो क्लीन साइकिल वगैरह आपको यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या आपको क्लीन साइकिल लेना है। माइस एक्सेस कंट्रोल प्रोत्री तो है, आपको जरूरत नहीं है, तो अभी मेरा हो गया है तो मैं इसको डन कर देता हूँ। देखो आप 2 mm के मेरा काटिंग हो गया। फिर इसको सलाह के देखने के लिए हम ये कमांड यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग के फेसिंग हो गया है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फेसिंग कर लेते हैं। अगर इसको 3D में देखने के लिए हम इसमें जाएंगे वेरीफाई वाला सिलेक्टेड ऑपरेशन, तो इसको आप 3D में देख पाओगे, ठीक है। तो 3D में देखने के लिए आप देखो 2 mm के हमने, ठीक है, 2 mm का हमने फिशिंग कर दी है, ठीक। अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन आती है मेरा, तो इसमें आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो आता है मेरा ड्रिलिंग, ठीक है। तो मैं अभी ड्रिलिंग करने जा रहा हूँ। ड्रिलिंग में आपको क्या करना है, इसके इनसाइड पॉइंट सिलेक्ट करना है जिसमें ड्रिलिंग करोगे, ठीक है। तो उसके बाद सिलेक्ट करोगे आप ड्रिलिंग में, तो यहाँ पे हम जो टूल सिलेक्ट करेंगे, ड्रिल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको देखो सेंटर मिलिंग करना है, सेंटर मिलिंग भी कर सकते हो जो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट में ड्रिल करना है तो ड्रिल कर सकते हो, हेलिक्स बोर्ड करना है, अगर बोरिंग करना है तो बोरिंग भी कर सकते हो, ट्रेडमिल चलाना है तो ट्रेडमिल भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सी लेना है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे सिंपल ड्रिल जो ले रहा है टूल जो है मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू करूंगा, तो मैं यहाँ पे ड्रिल टूल लगाऊंगा। देखो यहाँ पे भी टूल में भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाती है, जैसे ये हो गई आपकी ड्रिल स्पॉट ड्रिल, किसी पर्टिकुलर स्पॉट करने के लिए सेंटर ड्रिल हो गई, रिमार हो गई, काउंटर शैंक हो गई, काउंटर बोर्ड हो गई, टैपिंग करना है, ब्रेक पॉइंट लगाना है ना, बोर्ड बार लगाना है, तो कस्टम लगाना है तो कस्टम भी बना सकते हो। इसमें अगर आपको मैनुअल टूल बनाना होता है, जैसे आपने कोई सॉलिडवर्क्स में या INX में टूल बना लिया, फिर इसको इंपोर्ट करने के लिए वो भी तरीका मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रिल ले रहा हूँ, ठीक है। टूल मेरा साइज जो है 6 diameter है, तो मैंने इसको मैनुअली लिया था, मुझे पता नहीं था कितने का लिया था, तो मैं इसको जो है फिनिश कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। होल्डर मेरा सेम रहेंगे, डिफॉल्ट ही रहने दो। कटिंग पैरामीटर मेरा कितना, अगर ड्वेलिंग लेना है तो ड्वेल भी इसमें डाल सकते हो। लिंकिंग पैरामीटर का मतलब क्या होता है, ड्वेल का मतलब होता है, ठीक है। तो हम इसमें ड्वेल वगैरह करना है तो आप ड्वेल भी डाल देना, इसमें ड्वेल वैल्यू डाल सकते हो। लिंकिंग पैरामीटर में जाके कितने एमएम का करना है, 20 mm का है तो मैं थोड़ा -25 कर जा रहा हूँ, तो ये बाकी होम रेफरेंस वगैरह सेम रहेंगे। ड्रिलिंग में आपको कूलेंट वगैरह ऑन करना जरूरी है, तो फ्लैट को मैं ऑन कर दिया, 2 पॉइंट में मेरा ड्रिलिंग हो गया। आपको 3D में देखना है तो आप 3D में देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रिलिंग कर सकते हो, और इसके ऊपर अगर रिमार लगाना है तो आप बराबर रिमार लगा सकते हो या बोरिंग भी कर सकते हो, इसके ऊपर आप बोरिंग करना है तो, ठीक है। बोरिंग में सिंपल जाके आपको बोर्ड सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे बाकी आपको बोरिंग टूल सिलेक्ट करना है, रिमार लगाना है, रिमार टूल सेलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट आता है पॉकेटिंग। पॉकेटिंग में हम जो है इसकी इनसाइड पॉकेट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर इसको हम ओके करेंगे, टूल टूल पट मैंने ले लिया, ठीक है। पॉकेट टूल लेना है तो मैं यहाँ पे टूल में जो है टूल चेंज करूंगा, एन मिल लूंगा मैं इसमें, 10 का एन मिल नहीं चलाऊंगा। तो कट पैरामीटर में जो है क्लाइम लूंगा, यहाँ पे टिप शैप लूंगा, स्टॉक जो है 0.2 mm रखूंगा मैं, 1 mm का है यहाँ पे स्टॉक में, जो कटिंग होने के बाद 1 mm रुक जाती है, ठीक है। रफिंग करना है, ठीक है, रफिंग करेंगे, रफिंग ऑन करेंगे, जिगजैग करना है, स्पाइरल करना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। कितना स्टेप ओवर लेना है, कितना वो लेना है, आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो बताइए स्टेप ओवर वगैरह क्या होता है, ठीक है, कितना हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कितना डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, वो हम लोग स्टेप ओवर में लेते हैं। एंट्री मोशन आप कैसे लेते हो, हेलिक्स ज़्यादा अच्छा रहता है, रैम्प लेना है तो रैम्प भी ले सकते हो, तो हेलिक्स ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। कितना हेलिक्स का रेडियस कितना रहेगा, एक्स्ट्रा क्या लेंगे, प्लांच एंगल वगैरह आप इसमें डालोगे, ठीक है। कितना बार फिनिश करना है, सिंगल करना है, डबल करना है, फिनिश को आपका डबल फिनिश होंगे, अगर एक पास में इसमें कितना स्पेसिंग होगा, 2.5 का 3 mm का मैं ले रखा हूँ, ठीक है। लीड इन लीड आउट, ठीक है, टूल कहाँ से एंट्री करेंगे और कहाँ से आउटजेक करेंगे, दोनों में बीच में कितना लीड इन लीड आउट होना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एक सर्फेस से हम ऑपरेशन करते हैं दूसरे सर्फेस में हाइट में चले जाती है तो क्या होता है, टूल जो है सर्फेस में टच हो जाती है, तो इस केस में हम लीड इन लीड ज़्यादा लेंगे, ठीक है। लिंकिंग पैरामीटर में हम लोग कितना mm का इसको एब्सोल्यूट कर लेता हूँ, मुझे -10 mm का पॉकेटिंग चाहिए, तो -10 mm का पॉकेट हो गया यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तीनों को एक साथ चला के दिखाना है, जैसे एक ऑपरेशन है एक, ठीक है, सिलेक्ट ऑल ऑपरेशन, फिर आपको जाके रीजनरेट करना होगा ऑल को, फिर आप यहाँ पे तीनों को एक साथ डाल सकते हो, फेसिंग हो गई, पॉडिलिंग हो गई और पॉकेटिंग हो गया ये, ठीक है। इसको 3D में दिखना है तो आप यहाँ पे जाके 3D में इसको देख पाओगे,
ठीक है। लास्ट में एक कमांड रहेगी, वो होगी कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग के लिए आपको होना क्या होता है, इसके थोड़ा मेटेरियल आप ज्यादा रहते हो, कभी कभी दो साइड हम लोग का कटिंग होके आता है, बस दो साइड हम लोग का फिनिशिंग नहीं होता है मिलिंग में, है ना। तो उन केस में हम लोग पॉकेटिंग चलाएंगे इसके इसमें फिनिश करने के लिए, ठीक है। अभी जो मेरा स्टॉक जो है सही है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऑफसाइज को दोबारा कर लेता हूँ, है ना। इसको मैं कर देता हूँ 130, ठीक है। इसको भी मैं कर देता हूँ 210, तो थोड़ा स्टॉक बराबर आ रहा होगा, ठीक है। देखो साइड से बड़ा हो गया मेरा स्टॉक। अब इस एरिया में मैं कॉन्टूरिंग करूंगा, ठीक है। अगर मैं अभी करता ना, एक साइड में होता है, एक साइड में नहीं दिखाते आपको, तो मैं इसलिए थोड़ा सा स्टॉक बड़ा कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद कॉन्टूरिंग, इसको आपको बाउंड्री सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पुल में जाना है, मैं वही एफ फ्लैट वाला ले रहा हूँ, 10 एयरमिल ले रहा हूँ, ठीक है। होल्डर डिफॉल्ट लेना था, कार्ड पैरामीटर वगैरह वही सेम रहेंगे, ठीक है। स्टॉक कुछ भी नहीं रखना है, स्टॉक नहीं रखते कॉन्टूरिंग में, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कट जो है ऑफ रहेगा, इसमें लेड इन लेड आउट आपको सही है हर जगह में, ब्रेक थ्रू करना है नहीं करना है, वेल्थी बसेस करना है नहीं करना है, टैप लगाना है नहीं लगाना है। लिंकन पैरामीटर में जाके हम इसको -25 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 20 एम का लिया था, आग वगैरह इसमें नहीं रहना है। प्लान लगाना है तो प्लान लगा सकते हो आप, ठीक है। टॉप में लगाएंगे, कूलन वगैरह ऑफ करना ऑन करना आपकी मर्जी है। फिर देखो ये बाहर बाहर से कॉन्टूरिंग हो जाएंगे, अगर इसको देखना है तो इसको सिलेक्ट करके आप कॉन्टूरिंग देख सकते हो। देखो बट मेरा जो है इनसाइड कॉन्टूरिंग हो रहा है, क्यों है ना, हमको इसको कॉम्पेंसेशन को सेंस करना पड़ेगा कि कहाँ मिलेंगे। पैरामीटर में जाओ, कार्ड कॉम्पेंसेशन में जाओ, राइट कर दो, अप्लाई कर दो, फिर इसको आप रीजनरेट कर दो। अब देखो बाहर से आ जाएंगे, ठीक है। बहुत गलती होती है, बहुत लोग गलती करते हैं, ये देखना पड़ता है अच्छे से, ठीक है। अब सारे को एक साथ चला के देखते हैं, सिलेक्ट टॉगल, सिलेक्ट ऑल ऑपरेशन, ट्रेड जनरेट ऑल, डैशबोर्ड ऑल। अब इसको रन कर दो, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आप देख लो, इसको भी जाके आप आइसोमेट्रिक कर सकते हो, ठीक है। देखो सारे तरफ से पॉकेटिंग कर दिया है ना, लाइक इस तरह से हम काम करेंगे, ठीक है। ये था आपके 2D का, ठीक है। इसमें आपको बोर्डिंग करना है तो बोर्डिंग भी लगा सकते हो, रिमाल लगाना है रिमाल लगा सकते हो, ठीक है। ये तरीका था 2D का, जैसे हमने 2D स्केच बनाया, ये सिंपल सिंपल के लिए होती है। अगर आपको हाई स्पीड करना है 2D में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2D का हाई स्पीड बताएंगे, ठीक है। कहाँ है टूल, यहाँ पे जाके हम 2D हाई स्पीड करेंगे, ठीक है। कहाँ पे पिलिंग होता है, डायनेमिक मिल, डायनेमिक कंट्रोल कहाँ होता है, ये थोड़ा हाई स्पीड में स्विंग होता है, टाइम सेविंग होता है, जहाँ हम लोग का टाइम थोड़ा सेविंग हो जाएंगे इसमें। जैसे अगर मान लो 2 घंटे में हो रहा है, इसमें तो आपको लगभग 1.5 घंटे में काम हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको आता है एनग्रेविंग, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। उसके बाद हम जो मिलिंग में आ जाएंगे, सरफेस रफ, सरफेस फिनिश, हाई स्पीड मशीनिंग, ये भी बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ मैं, तो ये सब आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके काम का है, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है।